हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम देख रहे थे फार्माकोलॉजी बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर। तो आज हम बात करें तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारे कुछ टोटल तीन छोटे मगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। पहला हमारा होगा इसमें डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, दूसरा हमारा इसमें होगा थेरापेटिक इंडेक्स, और तीसरा हमारा इसमें होगा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। यानी कि ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो ए सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा यूनिट सेकंड का, और फिर हम स्टार्ट करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और मैं ट्राई करूंगा कि इसको मैं कंप्लीट एक वन वीडियो में आपके लिए ला सकूँ। चलिए, तो अब बात करूँ इन टॉपिक की, तो आज आप जो असल जिंदगी के दो बातों को जानने वाले हैं। कैसा, आपने कभी एक चीज नोटिस किया है कि जब आप कोई दवा वगैरह लेते हैं तो उस पर आपने एक आगे अंक देखा होगा, नंबर लिखा हुआ देखा होगा। जैसे बात करूं तो आपने यहां पर देखा होगा डोलो 650 एमजी या कालपोल 500 एमजी, ये चीज आपने देखी होंगी। तो ये एक्चुअल में होती क्या है? अगर मैं डोलो की बात करूं तो डोलो 650 एमजी का मतलब क्या है कि जहां जो पैरासीटामोल हमने यूज किया है, जो पैरासीटामोल का कंसंट्रेशन है यानी कि जो अमाउंट है वो हमारा कितना है, 650 mg। यानी कि हमने जो पैरासीटामोल है वो हमने 650 mg यहाँ पर लिया है। तो ये आखिर डिसाइड किस बेस पे किया जाता है कि इसको हम 650 mg लें। अब आपने देखा होगा कुछ कुछ हमारे ऐसे ड्रग होते हैं जिसको हम बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, जैसे 10 mg लेते हैं या 12 mg लेते हैं। कोई कोई ड्रग हम इतना ले रहे हैं, 650 mg ले रहे हैं, कोई कोई हम 500 mg ले रहे हैं। तो ये आखिर किस चीज़ पर डिसाइड किया जाता है, इस चीज़ को हम यहाँ समझने वाले हैं। और दूसरा ये रहेगा कि आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, कभी आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमारी बताते हैं, हर कोई जाता होगा, तो वो जो दवा देते हैं ना वो आपको एक कॉम्बिनेशन में देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक गोली पकड़ा दी जाओ, ऐसा मतलब बहुत ही रेयर और कम केस में होता है। वरना मैक्सिमम आप देखें तो आपको दो या चार गोलियां देते हैं और उसको पूरे को खुराक बोल देते हैं कि जाओ भाई इसको खाओ, इसको सुबह शाम दोपहर खाना, इसको सुबह शाम दोपहर खाना, इसको दिन में खाना सिर्फ। तो इस तरह आपको दवाइयां दी जाती हैं। तो आखिर क्या वजह होती है कि जो हमें दवाइयां होती है वो एक कॉम्बिनेशन में दी जाती है, एक अलग ना देके क्या दी जाती है, कॉम्बिनेशन में दी जाती है। तो ये दो असल जिंदगी के जवाबों आज सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए यहां हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो बस इससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि जैसे ये सारे टॉपिक जो होते हैं ना वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो तो जाके आप देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट की जो लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी जो इसके कुछ एमसीक्यूज भी बने हैं तो वो भी आप जाके सॉल्व करना, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और जो मिनिमम कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक दो नंबर वाले हमको छूट जाते हैं वो आपके बहुत ज्यादा सॉल्व होंगे उस एमसीक्यू से। चलिए, तो इस कंटेंट जो हमारा है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में डोज क्या होती है, उसके बाद हम समझेंगे रिस्पॉन्स क्या होता है, फिर समझेंगे रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को अगर हम एक वर्ड इसमें देखें तो रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एक रिश्ता। अब रिश्ता क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी दो लोग हैं तो वो आखिर एक दूसरे से कनेक्टेड किस बेस पे हैं। एग्जांपल समझो कि आप लोग पार्क में घूम रहे हैं, आप मान लो ए हो, ए फॉर आकाश मैं हूं, और आप बी में घूम रहे, बी हो कोई, और आप लोग जो पार्क में घूम रहे हैं हम लोग। अब क्या हुआ कि अगर आप मुझसे जानते हो ना, जैसे आप मुझे जानते हो तो आप एकदम मेरे पास आ जाओगे, और भाई क्या हालचाल है, कैसे हैं। तो यहां पर अगर देखो तो मान लो हम फ्रेंड्स हैं, तो एक हमारे बीच रिलेशनशिप था, इसलिए आपने मुझको यहां पुकारा और आपने मुझसे जो है बातें की यहां पर। और अगर यहां पर कोई हमारा रिलेशन नहीं होता, हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो ये अपना अपना टहलते रहते पार्क में, अपने घूमते रहते, ठीक है। तो यहां पर आपने एक चीज ये जानी कि जब इनके बीच कोई रिलेशन होता है तभी ये एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, काम करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं या कुछ भी करते हैं। तो वही यहां पर हमको जानना है डोज और रिस्पॉन्स के बीच आखिर क्या ऐसा रिस्पॉन्स है, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। जैसे ए और बी कैसे कनेक्ट है, ये फ्रेंड है एक दूसरे के, उसी तरह ये आखिर किस तरह कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहां पर जानते हैं डोज को, ठीक है। तो डोज को आप सिंपल ऐसे समझो कि आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब भी कोई डॉक्टर वगैरह दवा देते हैं तो वो आपसे फिक्स कुछ अमाउंट कर देते हैं। जैसे आपसे बोलेंगे कि ये टैबलेट आप इसको एक टैबलेट खा लेना, आप एक टैबलेट सुबह खाना, एक टैबलेट शाम को खाना। तो जैद करो कि आपको कोई आपके सिर में दर्द होता है किसी के ना, वो होता है जल्दी जल्दी, तो आपको डिस्प्रिन की एक टैबलेट दी गई गोली, और डिस्प्रिन में हमारा पाया जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और ये हमारा होता है लगभग 325 मिलीग्राम के, उसमें वेरिएंट पाया जाता है, शायद कहीं डिफरेंट भी हो। तो इस तरह हमारी ये डिस्प्रिन टैबलेट होती है। अब आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आपसे की गई आप ये टैबलेट खाओगे, तो जब आप ये एक टैबलेट खाओगे ना तो उस टाइम पर जब आप ये खा रहे हो, वन टाइम के लिए होती है चीज, यानी कि वन टाइम के लिए, यानी कि उस टाइम पर जो आपने वो टैबलेट खाई है, तो उस टाइम पर आपकी जो डोज हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 325 मिलीग्राम। तो अब आप जहाँ समझ रहे होंगे कि मतलब डोज को अगर हम वो डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं कि ये एक क्वांटिटेटिव अमाउंट है किसी भी ड्रग की जो हमको हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करने के लिए चाहिए, और उसको जो पेशेंट ले रहा है यानी हम लोग जो ले रहे हैं वो एक टाइम पे ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो 350 सुबह ले ली, 325 ग्राम शाम को, यानी कि एक टैबलेट सुबह खाई, एक टैबलेट शाम को खाई, और दोनों को मिला के हम बोल रहे हैं कि हमारी डोज तो 500 एमजी है या हमारी डोज तो भाई 600 एमजी है। ऐसा नहीं है, एक टाइम पे यानी कि सिंगल टाइम पे कोई भी दवा की जो डोज हम ले रहे हैं, जो हम उसका अमाउंट ले रहे हैं, वो एक्चुअल में उसकी डोज कहलाती है। तो अगर हम टैबलेट के यहाँ डिस्प्रिन की बात करें तो डिस्प्रिन हमारी कितनी है, 325 एमजी
एमजी यानी कि डिस्प्रिन की जो डोज है वो हमारी तय कितनी गई है, 325 mg हमारी यहाँ पर डिसाइड की गई है, ठीक है। तो यही हमारी कहलाती है डोज। आखिर अब ये डिसाइड किस बेस पे है कि ये भाई 325 mg ही लेनी है बाकी नहीं लेनी है, तो इसको हम आगे समझते हैं। तो डोज आप समझ गए होंगे क्या होता है। जैसे एग्जांपल समझो तो डोलो 650 mg है, तो यहाँ पर जो पैरासीटामोल इसमें यूज़ किया है वो हमारा 650 mg है और वही हमारा एक्चुअल में दिया जाता है। ब्रूफेन 200 mg 150 mg, ये अलग अलग आते रहते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स हम समझते हैं। अब मान लो यहाँ पर कोई ए था, इसने बेचारे ने वो दवा खा ली, ठीक है। अब ये डिस्प्रिन इसने खा ली, अब डिस्प्रिन खाने के बाद इसकी बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिर दर्द हो सकता है, बंद हो जाए, हो सकता है ना बंद हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, हो सकता है बिल्कुल ही कम ना हो। तो ये कुछ इफेक्ट हैं तरह तरह के। तो यहाँ पर इस दवा को खाने के बाद जो इसकी बॉडी में इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो इसका क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा। अब रिस्पॉन्स किस पे, मान लो इसका एकदम बंद हो गया, बढ़िया तरह से दर्द सारा कुछ बंद हो गया, तो हम कहेंगे परफेक्ट गुड रिस्पॉन्स है। थोड़ा कम बंद हुआ तो कहेंगे इस पे भाई ये दवा कम काम कर रही है, कम रिस्पॉन्स है। तो इन चीज़ों पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आप समझ गए होंगे। तो रिस्पॉन्स हमारा क्या है कि कोई भी दवा खाने के बाद जो उस दवा के द्वारा हमारी बॉडी में इफेक्ट हो रहा है, कहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, बॉडी में जो इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा रिस्पॉन्स कहलाता है। किसके लिए कहलाता है वो रिस्पॉन्स, उस दवा के लिए रिस्पॉन्स है, यानी कि उस पर्टिकुलर दवा के लिए वो हमारा क्या है, रिस्पॉन्स है। ये दोनों आप समझ गए होंगे। तो अब आप इस बेस पे इनका रिश्ता भी समझ गए होंगे कि जब हमने कोई दवा की डोज ली तभी तो हमको रिस्पॉन्स मिला, हमने दवा की डोज ली और हमको रिस्पॉन्स मिला। तो यानी कि अगर हम डायरेक्टली बोलें तो जो हमारा डोज है वो हमारा डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है किससे, रिस्पॉन्स से। और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। मान लो आपने डोज यहाँ 325, अगर आप ज़्यादा लेते तो हो सकता है आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता, और ज़्यादा लेते तो और ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता। तो अगर हम जनरली बिल्कुल सिंपल वे में देखें तो हमारा ये बन के आता है कि जो डोज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिस्पॉन्स के, यानी कि जितनी ज़्यादा हम डोज लेंगे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स लेंगे। तो ये हमारा एक जनरल वेस में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सिंपल बोल सकते हो कि हाँ जितना हम डोज लेंगे उतना रिस्पॉन्स। लेकिन ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। आप लोग सोचे कि ये हमेशा मतलब ये काम का, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मान लो किसी को ठीक होना तो वो दो गोली खा ले, एक साथ तीन खा ले, चार खा ले, ऐसा होगा तो भाई एक्सेस अमाउंट में अगर ड्रग पहुंचती है हमारी बॉडी में तो वो हमारे क्या करेगा, साइड इफेक्ट भी कॉज करेगा और हमारी कुछ एडवर्स रिएक्शन के बारे में आपने सुना होगा, जो हमारा अगला टॉपिक उसको हम पढ़ेंगे, तो कुछ एडवर्स साइड रिएक्शन भी हमको मिलते हैं, साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ज्यादा ड्रग लेने पे। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम क्या लें, एक लिमिट में लें। इसलिए ये हमारी पूरी तरह से वैलिड नहीं होती कि जितना ज्यादा डोज उतना ज्यादा रिस्पॉन्स, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बॉडी में नुकसान होगा। तो ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम इसके कुछ सिस्टमैटिक तरीके समझते हैं। तो जो हमारा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है ये हमारा बेसिकली दो पार्ट्स में यहां बन रहा है। पहला हमारा बनता है डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप, दूसरा हमारा बनता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो अगर आप इसको कुछ इस तरह समझो, बहुत ही सिंपल वे में समझ लेते हैं, डोज है हमने जो ड्रग दे रहे हैं जितनी अमाउंट में वो हमारी क्या होगी, डोज। डोज क्या है एक्चुअल में, द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज यूज टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हमारी होगी डोज, ये हमने दी अपनी बॉडी में सिस्टमैटिक तरीके से। और सिस्टमैटिक का मतलब क्या है कि वो पहले कहाँ जाएगी, हमारे ब्लड में, और ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में हमारे यहाँ पर पहले वो डोज यानी कि जो ड्रग पहुँच गया, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम जहाँ से जितना ज़्यादा डोज देंगे उतना ही तो हमारे यहाँ पर पहुँचेगा। इसमें भी कोई सोचने की बात है, यहाँ से अगर हम यहाँ पर 40 mg देंगे तो यहाँ 40 mg पहुँचेगा, 50 mg देंगे तो 50 mg पहुँचेगा, ठीक है। अब सिंपल है, यहाँ से आगे की कहानी देखें तो दूसरा हमारे रीजन से बात है प्लाज्मा कंसंट्रेशन से रिस्पॉन्स का। तो यहाँ भी सिंपल है कि अगर यहाँ से यहाँ 40 मिला है तो अगर हम यहाँ से 40 mg होगा तो वो 40 mg इतना रिस्पॉन्स देगा, अगर यहाँ 50 mg होगा तो वो 50 mg इतना रिस्पॉन्स देगा। तो अगर हम बेसिकली देखें तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा डोज उतनी ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और जितनी ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारी ड्रग की रहेगी प्लाज्मा में उतना ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर हम इसको भी सिंपली देखें तो हमारा क्या बन के आता है कि जो हमारा डोज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिस्पॉन्स के, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट क्राइटेरिया है हमारा डोज और रिस्पॉन्स को देखने का, वो हमारा क्या होता है एक्चुअल में, ग्राफ होता है। और ग्राफ के जरिए लोग देखते हैं कि जो हमारा डोज है वो कितना रिस्पॉन्स दे रहा है, कैसे दे रहा है। तो इसको अभी हम समझ लेते हैं, पहले हम एक फॉर्मूला समझ लेते हैं इसी के लिए। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह है कि E इज इक्वल टू E मैक्स इंटू D अपॉन KD इंटू D। तो इसको हम समझते हैं, तो E हमारा है ऑब्जर्व इफेक्ट। तो ऑब्जर्व इफेक्ट क्या था, जैसे अभी जहां मैंने एग्जांपल आपको बताया, तो इसमें ये समझो कि इसका जो सिर दर्द बंद हो गया तो ये इसका क्या है, ऑब्जर्व इफेक्ट, यानी कि जो इफेक्ट इसको देखने को मिला। दूसरा हमारा डी है, डी फॉर डोज, यानी कि हमने कितनी डोज दी। तो अगर हम इस कंडीशन में देखें तो हमने कितनी दी थी, 325 mg दी थी। तीसरा हमारा आता है ई मैक्स फॉर होता है मैक्सिमल रिस्पॉन्स, यानी कि ये है कि जैसे मान लो ये हमने इतनी डोज दी तो ये मैक्सिमम कितना रिस्पॉन्स दे सकती है, यानी कि मान लो कोई हमारे इसका केवल सिर का दर्द हल्का बंद हुआ तो ये लो रिस्पॉन्स है, अगर बिल्कुल बंद हो गया एकदम ये परफेक्ट हो गया तो हमारा क्या हो गया, इसका मैक्सिमल रिस्पॉन्स हो गया। यानी कि मैक्सिमल रिस्पॉन्स क्या होगा कि बिल्कुल ही सिर का दर्द बंद हो गया। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है मैक्सिमम रिस्पॉन्स, यानी कि डोज हमारा कितना पोटेंट है, कितना ताकतवर है, ये चीज़ को ये बताता है।
तीसरी यहाँ चौथी हमारी चीज़ क्या है, तीसरी केडी। अब केडी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट हमारे किसके बराबर है, तो ये हमारे बराबर होता है हाफ मैक्सिमल रिस्पॉन्स के। यानी कि आप ऐसे समझो कि मान लो 325 mg हमारा कोई ड्रग है, और जैसे नॉर्मल समझो कोई हमारा ड्रग है 400 mg हमने दिया, तो वो हमारी बॉडी में 100% हमको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो 50% रिस्पॉन्स वो कितने पर देगा, अगर हम सिंपल देखें तो वैसे 200 mg पर देगा। तो अगर हम यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालें तो हमारा कितना निकल के आता है, 200 mg। यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं कि 200 mg ड्रग हमें क्या देगा, एक हाफ मैक्सिमल रिस्पॉन्स देगा, और ये हमारा क्या होगा, पोटेंट होगा, ठीक है। और जो हमारी दवा यूज़ की जाएगी वो हमारी 200 से 400 के बीच में की जाएगी, क्योंकि 400 पे 100% दे रहा है, तो अगर हम 400 से ज़्यादा दवा यूज़ करेंगे तो भाई, अगर मैक्सिमम रिस्पॉन्स से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हमारी क्या देगी, फिर एडवर्स साइड इफेक्ट दे सकती है, और इससे कम देंगे तो हमको बॉडी में रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम सिंपल देखें तो इसी के बेस पर हमारा डिसाइड होता है कि कोई ड्रग होगा वो हमारा क्या होगा, अगर 50% तक हमको रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसके बाद की जो हमारी अमाउंट होगी वहाँ से लेके चार जहाँ तक वो 100% रिस्पॉन्स होता है, इन दोनों के बीच में जो हमारी डोज जो ड्रग की रिक्वायर अमाउंट होगी उसका हम यूज करते हैं ड्रग की क्वांटिटी को फिक्स करने के लिए, और वो चीज हमारी बैरी कर सकती है अलग अलग। जैसे मान लो 200 से 400 है तो हो सकता है 300 mg बच्चों के लिए फिट कर दी जाए, और जो 400 या 350 mg है वो बड़ों के लिए फिट कर दिया जाए। तो इस तरह ये हमारे कुछ डोजेज हैं वो हमारी यहाँ पर फॉर्म होती हैं। अब हम समझ लेते हैं कर्व के बारे में। तो कर्व हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन इसकी करें तो हम कह सकते हैं कि हम कोई कर्व जो है प्लॉट कर रहे हैं, और वो कर्व हम डोज और रिस्पॉन्स की रिलेशनशिप के बीच में कर्व कर रहे हैं, तो हमारा DRC होगा, डोज रिस्पॉन्स। और यहां पर क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं डोज प्लॉट कर देते हैं, और जो वाई एक्सिस है इस पर हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को प्लॉट कर देते हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब यहां पर जो इसके कर्व बनते हैं ना, बेसिकली दो तरह से यहां पर फॉर्म हो रहे हैं। अब ये मैंने केडी त्रिपाठी के बेस पर उठाए, तो आपको कहीं कहीं अलग भी मिल सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। जहां आपको समझ आए, जैसा समझ आए, जिसका आपको अच्छा लगे आप उसका स्टडी कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ ये देखिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो देखिए, ठीक है। तो यहां पर हमारे दो तरह के हमको कर्व देखने को मिल रहे हैं। पहला हमारा है बिल्कुल सिंपल वाला, जो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह यहाँ फॉर्म हो रहा है। अब हाइपरबोला आपने देखा होगा कुछ इस तरह का हमारा ये पूरा बनता है। तो ये हमारा देखो हाफ गया ना, तो ये हाई क्या हो गया, हमारा हाइपरबोला है एक, और रेक्टेंगुलर सी शेप इसकी हल्की सी आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। और ये हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमने नॉर्मली देखा था कि डोज हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स के। तो यहाँ देखो जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते जा रहे हैं हमारी जो है रिस्पॉन्स बढ़ती जा रही है। और ये इसको देखने का ना सिंपल तरीका, जैसे आप मान लो कि यहाँ पे आपने पॉइंट पकड़ा, तो इस पॉइंट का आप एक लाइन इस साइड खींचो, एक लाइन इस साइड खींचो। अब यहाँ देखोगे तो मान लो कि यहाँ पर आपने इतना जब इतना आपने ड्रग खत्म किया, तब आपको यहाँ पर 30% रिस्पॉन्स देखने को मिल गया। कितना ईजी था ना। तो इस तरह आप कितनी भी डोज, कितना आपने डोज यूज किया उस पर आपको कितना रिस्पॉन्स मिला, आप किसी भी कर्व के थ्रू निकाल सकते हैं। और इसीलिए हमारे कर्व इस चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा हमारा, इसमें आता है लॉग डोज कर्व, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और देखा जाए कायदे में तो जो ये वाला है सिंपल वाला, और जो लॉग डोज है, इन दोनों में ये वाला हमारा ज्यादा यूज किया जाता है, और इसी को मान्यता भी ज्यादा प्राप्त है। और जो दवाइयां वगैरह एक्चुअल में बनती हैं उनके यूज में भी हम लॉग डोज का यूज करते हैं। अब ये हमारे होते हैं सिग्मोइड कर्व। अब आपको मैं एक मिनट सिग्मोइड कर्व के बारे में खासियत बता दूं। तो सिग्मोइड कर्व अगर आपको याद हो, हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा अपना ग्रोथ कर्व, तो सिग्मोइड फॉर हो गया S, तो ये हमारा लगभग जैसे मान लो ये बताऊं तो ये हमारा S शेप का होता है कुछ इस तरह, आपको दिख रहा होगा हल्की ऐसे, आप ऐसे देखोगे तो S की तरह लग रहा है। अब इसमें हमारे बेसिकली तीन फेस आते हैं। पहला हमारे यहां पर होता है इनिशियल फेस, जिसको हम लैग फेस बोलते हैं, और यहाँ पर हम देखा जाए तो स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी सबसे कम रिस्पॉन्स यहाँ मिलता है, क्योंकि अब एकदम हमने ड्रग ले लिया, अब ड्रग बॉडी में जाते ही तुरंत तो असर करता नहीं है कि आपने बस फटाक से गोली खाई और आप तुरंत इनो जैसी, तो सारे ड्रग होते नहीं कि 6 सेकंड में काम शुरू, उनको टाइम लगता है। आप कहते हैं शाम को दवा खा के सोते हैं तो आपको सुबह तक जाके आराम मिलता है, तो मोस्टली ड्रग हमारे इसी तरह काम करते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेस, और या हम इसको बोल सकते हैं लॉग फेस। इसमें हमको जो है मैक्सिमम जो हमारा होगा रिस्पॉन्स हमको मैक्सिमम देखने को मिलता है लॉग फेस में, ठीक है। तो ये आपको सिंपल यहाँ समझ आ गया होगा। तीसरा हमारा यहाँ पर आता है, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेस, यानी कि अब हमारे जो यहाँ पर ड्रग है वो हमारा क्या होगा, लगभग अब हमको कॉमन देखने को मिलेगा, यानी कि अब आप कितना भी ड्रग बढ़ाते जाओगे हमारे जो रिस्पॉन्स है वो हमारा नॉर्मल देखने को मिलेगा। अब इसका आप कुछ इस तरह एग्जाम्पल समझो कि ये मैंने केडी त्रिपाठी लिया, बहुत अच्छा लगा। जैसे मान लो कि एक हाथ आपका, एक हाथ में मैंने यहाँ पे आपको एक के लिए कोई चीज़ पकड़ा दी, और इधर मैंने आपको यहाँ पर पकड़ा दी 2 किलो चीज़। तो अब आपको यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस वेरिएशन देखने को मिलेगा। जब आप हाथों में दोनों चीज़ को पकड़ेंगे तो 2 किलो वाला ज़्यादा भारी लगेगा और नीचे आपका गिरेगा, ठीक है, आपको अंतर लग रहा है।
आप इजीली बता दोगे कि हाँ भाई यहाँ पर जो हमारा 1 kg का डिफरेंस है। अब अगर मैं यहीं पर आपको क्या करूँगी, यहाँ पर मैं आपको दे दूँ 11 किलो कोई चीज़ और यहाँ पर मैं आपको दे दूँ यहीं पे 12 किलो चीज़, तो अब आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। अब आप कहेंगे कि हाँ लगभग लगभग बराबर ही हैं, बिल्कुल कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है, है ना। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, डिफरेंस तो हमारा वही है, जो 1 किलो इधर था वो 1 किलो इधर था, तो इसका डिफरेंस ये है कि अब हमारा ये क्या है, एक लार्ज क्वांटिटी में है और यहाँ पर वेरिएशन हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट करना हो जाता है। तो सेम हमारा ये है कि जब हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं तो ये तो थोड़ा मान लो बूस्टअप हो रहा कुछ भी, और जो यहाँ पर है हमको रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो लार्ज यहाँ पर एंड में आ जाता है यहाँ पर हमें डोज हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है। मान लो यहां पर हम 100 एमजी, 200, 400 एमजी, 500 एमजी दे चुके हैं, तो यहां पर अब रिस्पांस हमारा बहुत ही कम कम बढ़ रहा है और बाकी चीज हमारी उतनी रह जाती है। तो ये हमारा इस वाले फिनोमेना से आप यहां पर समझ गए होंगे। तो इस तरह ये हमारे जो है रिस्पांस काम करते हैं। और यहां पर जो हमारा बेस्ट कर्व माना गया वो हमारा लॉग डोज वाला माना गया, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, सिग्मोइड कर्व होता है, तो ये हमारा अच्छे से वेरिएट कर सकता है। आप सिंपल देखो, कोई भी आपने डोज खाई तुरंत तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, थोड़ा स्लोली स्लोली मिलता है, लेकिन फिर आपको यहां पर लीनियर ग्राफ देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप यहां पर इस जगह से सिंपल बनाते हैं, यानी कि अगर आप इस जगह से इस तरह बनाओगे तो आपको यहां देखेगा जितना आप रिस्पॉन्स जितना आप डोज बढ़ा रहे हो उतना ही आपका जो है यहां पर रिस्पॉन्स बढ़ रहा है। और ये वाली जो जगह होती है यहां पर हमको मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलता है, इसी को हम यही वाली जो हमारी डोज होगी, जैसे मान लो यहां से यहां के बीच में आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिला, तो जो ये वाली डोज होगी ना यही हमारी डिसाइड कर दी जाती है हमारी कोई भी बीमारी के लिए, कि अब जो कोई बीमारी होगी उसको जो है यहां से यहां के बीच की जो भी हमारी डोज होगी ड्रग होगी उतनी अमाउंट में हमारी वो ड्रग दी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे किस बेस पे हमारी डिसाइड की जाती है कि कितने एमजी हमको ड्रग देना है। तो यही हमारा इसका सिंपल फंडा होता है, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे सिंपल यहां पर कैसे होता है क्या होता है। अब दो टर्म और हम समझ लेते हैं, एक हमारा आता है ड्रग पोटेंसी और एक हमारा आता है ड्रग एफिकेसी। वैसे तो हम इसको समझ ही चुके हैं, तो ड्रग पोटेंसी वर्ड को आपको जिस तरह समझो कि जैसे मान लो कि मैंने आपको कोई ड्रग दी, कोई मान लो एनाल्जेसिक है, तो एनाल्जेसिक के लिए मैंने आपको दो दवाइयाँ दी यहाँ पर, मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा है, एक हमारी यहाँ पर है पैथिडीन और एक हमारी है मॉर्फिन। तो मैंने जब पैथिडीन दी वो मुझे लगी 100 ग्राम और 100 मिलीग्राम में आपका जाके वो जो है एनाल्जेसिक की तरह आपकी काम आई, और इधर मैंने वो दे दी सिर्फ 10 mg मॉर्फिन और उसने क्या किया बराबर यहाँ पर इफेक्ट दिखाया। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो कौन ज़्यादा मोर पोटेंट हो गया, कौन ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा यहाँ पर, तो मोर पोटेंट कौन सा हो जाएगा, हमारे यहाँ पर मॉर्फिन हो जाएगा। तो यही चीज़ हमारी यहाँ देखने को मिलती है, यही हमारी ड्रग पोटेंसी कहलाती है कि कौन सा हमारा ड्रग है जो कम अमाउंट में ज़्यादा रिस्पांस क्रिएट कर रहा है और सर्टेन रिस्पांस यानी कि जितना हमको चाहिए उतना रिस्पांस क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज़ किसी भी ड्रग की क्या कहलाती है, पोटेंसी कहलाती है, आप यहाँ सिंपल समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा हमारा आता है ड्रग एफिकेसी। अब एफिकेसी क्या होती है, ताकत होती है, यानी कि अगर मैं आप यहाँ पर बताऊँ तो जैसे ये ड्रग और ये ड्रग है इनकी एफिकेसी बराबर होगी। अब आप चौंक जाएंगे क्यों होगी भाई, क्योंकि ये 10 ग्राम पर दे रहा है और ये 10 mg में उतना असर दे रहा है, ये 100 mg में, लेकिन भाई दे तो रहा है ना। जैसे मान लो हमारी बॉडी में कोई बीमारी है ठीक करने के लिए, मान लो सिर दर्द होता खतरनाक एकदम, तो आपने मान लो ये वाली दवा खाई और ये वाली भी खाई, तो ये हमारी मान लो जल्दी कर देगी कम, ये हमारा थोड़ा टाइम ले लेगी करने में, लेकिन कर तो देगी ना ठीक। तो इसमें अगर देखा जाए तो इफेक्टिव कौन सी दवा है, तो इफेक्टिव तो दोनों है, लेकिन इनमें पोटेंट ये ज़्यादा है, लेकिन इफेक्टिव दोनों हमारी क्या है बराबर है, यानी कि दोनों की दोनों ही दवा जो है हमको ठीक कर देंगी, कुछ टाइम बाद करेगी कोई जल्दी कर देगी। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर इफेक्ट ड्रग एफिकेसी कहलाती है और ये हमारी ड्रग पोटेंसी, आप लोग यहाँ पर सिंपल समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है, वो हमारा है थेराप्यूटिक इंडेक्स। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होती है, अगर हम सिंपल इसको समझें तो द रेशियो ऑफ द डोज दैट प्रोड्यूस आर टॉक्सिक लीथल इफेक्ट टू द डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो इसको आप कुछ इस तरह समझो कि जब हम लोग दवाइयां वगैरह डेवलप करते हैं, ड्रग की जब डिस्कवरी होती है तो उस टाइम पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी हमारी दवा कितनी डोज पे कितनी कामयाब होगी कितनी नहीं होगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है कि भाई दवा है जो ड्रग है वो कहीं तो यूज़ किया जाएगा ना। तो यहाँ पर हमने लेट एग्जाम्पल के लिए लिया कि एनिमल पर यूज़ किया जा रहा है। अब मान लो है कि एनिमल की पूरी यहाँ पर वेराइटी दी गई है, इधर ये भरे पड़े एनिमल। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने कोई भी ड्रग दिया, डोज दी हमने, अब उस डोज पर यहाँ पर इसमें से मान लो कोई भी हमारे पेशेंट है, ये हमारे जो एनिमल है ये मान लो बीमार हैं, कुछ भी हैं बीमार है, तो हमने यहाँ पर इन एनिमल को डोज दी। अब वो डोज यानी कि वो अमाउंट ऑफ डोज जब हमारे ये एनिमल जो 100% है, टोटल मान लो 100%, उसमें से 50% एनिमल हमारे क्या हो जाएं, क्योर्ड हो जाएं, यानी कि ठीक हो जाएं, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएं, तो वो डोज हमारी क्या कहलाती है, इफेक्टिव डोज। अब इफेक्टिव वर्ड से आप समझ रहे होंगे, इफेक्ट मतलब इफेक्ट की और अच्छी रही, तो ये डोज हमारी कहलाती है इफेक्टिव डोज। अब मान लो हमने कोई और डोज दी, यानी कि किसी और डोज पे हम देते जा रहे हैं और एक ऐसी डोज हमारी आएगी, उस डोज पे क्या होगा कि लगभग इसमें से 50% एनिमल हो गए वो हमारे क्या हो जाएंगे, किल, यानी कि मर जाएंगे, हार्म हो जाएंगे या डेड हो जाएंगे। तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है यहाँ पर
लीथल डोज, या हम सिंपल बोले तो टॉक्सिक डोज, यानी कि एक ऐसी डोज हमारी जिस डोज पर लगभग 100% में से 50% हमारे जो एनिमल थे वो हमारे क्या हो गए, मर गए। तो आप इफेक्टिव डोज और लीथल डोज इन दोनों डोज को समझ गए होंगे, और हमको क्या चाहिए होती है, इफेक्टिव डोज। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उस रेशियो को बना के हमारा निकलता है थेरापेटिक इंडेक्स। और थेरापेटिक इंडेक्स की बात करें ना तो ये हर ड्रग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारा ड्रग है ये हमारा डिसाइड करता है हमारी सेफ्टी को, यानी कि जो हमारा ड्रग कोई भी बना है तो वो हमारी बॉडी के लिए कितना सेफ है, कहीं उससे कोई जान माल का नुकसान तो नहीं होगा ना। तो ये चीज हमारी किस पे डिपेंड करती है, थेरापेटिक इंडेक्स को। तो ये वाला टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी कई बार आ सकता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है ये इसका इस तरह लिखा है, और ये इसका फॉर्मूला है, थेरापेटिक इंडेक्स इक्वल टू LD 50, LD हो गया लीथल डोज 50 और ED हो गया हमारा इफेक्टिव डोज 50। तो ये आप समझ गए होंगे, और यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि LD 50 मान लो कि द डोज विच किल्स 50% ऑफ रिसिपिएंट यानी एनिमल्स, और ED 50 मतलब क्या है, द डोज विच प्रोड्यूस स्पेसिफाइड इफेक्ट एंड क्योर 50% इंडिविजुअल, यानी कि वो डोज जिसपे 50% लोग करीब ठीक हो जाए। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसका अगर हम एक दो यूज समझे तो ये हमारा किस लिए यूज किया था, कि इसके बेस पर जो थेरेपेटिक इंडेक्स है इसके बेस पे हम किसी भी ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट, यानी कि कितने डोज पे वो मैक्सिमम इफेक्ट देगा और मिनिमम साइड इफेक्ट देगा, वो चीज हम निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे। जैसे मान लो कोई हमारा एक ड्रग है, और वो ड्रग को अगर हम 400 mg से ज़्यादा देते हैं ना तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, और 200 mg से अगर हम कम देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। तो जो हमारा ड्रग है 200 mg से 400 mg, ये हमारी वैल्यू जो निकलेगी वो हमारी थेरापेटिक इंडेक्स में निकलेगी, और ये वैल्यू हमारी किस काम की, यानी कि इस वैल्यू का हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी बीमारी को क्योर्ड करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो इस तरह हमारी जो है यहाँ पर कितना एम जी हम यूज़ करते हैं वो चीज़ हमारी यहाँ निकलती है, यानी कि वो कर्व जो हमने पहले पढ़ा था वो इस चीज़ को देखने में काम आता है, और जो थेरेपेटिक इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमारी एक्चुअल अमाउंट हमको बता दी कि कितने एमजी हम यहां पर यूज करेंगे। तो आई होप आप लोग यहां समझ गए होंगे। अब हम यहां पर डायग्राम के वैसे थोड़ा समझते हैं, क्योंकि डायग्राम हमारा जरूर जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर समझो कि ये मैंने एग्जांपल वही नीचे हमारा लॉग डोज आएगा यहां लिख लिया, और इधर हमारा आ गया रिस्पॉन्स। तो अब मान लो कि यहां पर ये हमारा चल रहा था इस तरह, और ये हमारी जो पोजीशन थी, ये हमारी कंडीशन थी, यहां पर हमारा जो ड्रग है, इस जो ड्रग है उसने हमारा कह दिया मिनिमल थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी कि यहां से यहां तक हम बॉडी में देते जा रहे हैं ड्रग, देते जा रहे हैं, लेकिन यहां से कोई भी इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हमारा इस वाली पोजीशन पे पहुंचा, इस ड्रग ने अपना काम करना जो है शुरू कर दिया। अब आप इसको सिंपल ऐसे समझो कि मान लो जैसे आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आपने पहले 10% किया कोई असर नहीं, 20% किया कोई असर नहीं, जैसे ही आपने 30% को काम किया वो अपना असर करना शुरू कर देता है। यानी कि अगर हम एक तरह से बोले तो यील्ड वैल्यू आप बोलो कि यहाँ से हमारी वो चीज़ जो है स्टार्ट हुई। तो वो हमारी यहाँ समझो कि हम यहाँ पर ड्रग देते जा रहे थे, अपना देते जा रहे थे, यहाँ तक कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा होता है माइनर सा इफेक्ट, यानी कि वो इफेक्ट नहीं था जो हमको हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए चाहिए। और जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, ये हमारी कंडीशन आ गई मिनिमम थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी कि यहाँ से अब हमारी बॉडी में थोड़े हमको हलचल देखने को मिली, और हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने को मिली, और यहां से यहां तक गया। तो यहां पर हमारी आगे मैक्सिमम रिस्पॉन्स, यानी कि अगर यहां से ज्यादा अब हम कोई भी ड्रग देंगे तो वो जो अपना इफेक्ट देगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्स इफेक्ट, यानी कि अब वो चीज हमारी हो जाएगी बॉडी के लिए साइड इफेक्ट। तो अब हम अगर यहां पर एक बीच की चीज बनाए तो हमारा यहां से लेके यहां तक का जो ड्रग होगा बीच का, यानी कि ये वाला जो ड्रग है ये हमारी क्या होगी, एक सेफ अमाउंट होगी, यानी कि जो हम दवा अपने यूज करेंगे वो हम इस वाली डोज से लेके इस वाली डोज के बीच की हम दवा यूज करेंगे। अब यहां पर मैंने सिर्फ आपको ऐसे नंबर्स दिए हैं, जब आप रियल ड्रग का कभी ये करेंगे थेरेपेटिक इंडेक्स निकालेंगे तो उस टाइम पर आपको यहां वैल्यू भी लिखी होंगी, तो आप इजी तरीके से किसी भी ड्रग की ये निकाल सकते हैं कि कितना एमजी हम यहां पर यूज करते हैं। और बहुत ज्यादा मजा आता है इन चीजों में, जब आप रियल में पहुंचेंगे ना कंपनीज वगैरह में, तब आप असली असली दवाइयों की निकालेंगे कि इसका कितना एमजी हमारे लिए सूटेबल है कितना नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का हमारा जो डोज है इसमें हमने निकाला कि हमारा ये जो डोज होगा वो हमारे लिए सूटेबल और सेफ रहेगा। और रिस्पॉन्स की बात करें तो यहां से यहां तक का जो रिस्पॉन्स है, यहां से हमारा रिस्पॉन्स शुरू हुआ और यहां तक हमारा मैक्सिमम, तो ये जो बीच का रिस्पॉन्स है ये हमारा होगा गुड रिस्पॉन्स। अगर यहां से ऊपर हम रिस्पॉन्स लेते हैं जाते हैं तो वो हमारा एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी में वो चीज नुकसान देगी। तो आई होप आप लोग ये पूरा का पूरा समझ गए होंगे, ये हमारा है डोज रिस्पॉन्स कर्व फॉर थेरापेटिक इंडेक्स, सिंपल सी बात है। अब हम तीसरा अपना टॉपिक समझते हैं, वो है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। अब इसकी बात करें तो आप लोगों ने वही देखा होगा, डॉक्टर लोग जो होते हैं वो सिंगल दवा ना देके क्या करते हैं, एक या दो से ज्यादा दवा एक साथ देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो दवा होती है ना वो एक दूसरे को आल्टर करती हैं, एक दूसरे के काम को चेंज कर देती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो मैंने एक दवा ली ए और एक दवा मैंने दे दी बी,
ठीक है। अब मान लो कोई एक दवा है, ये मेरे बॉडी में 20% रिस्पॉन्स कर रही थी। अब मान लो ये वाली जो दवा थी, ये भी हमारी बॉडी में उसी बीमारी के लिए 20% रिस्पॉन्स करेगी। अब अगर इन दोनों दवा को साथ में दे दो तो हमारी बॉडी में क्या है, लगभग 40% रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि दो दवा एक साथ क्यों दी जाती है। एक तो ये रीजन हो गया, ठीक है। अभी हम आगे और समझेंगे। तो इस तरह के लिए हम यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर हम सिंपल समझे कि व्हेन टू और मोर ड्रग आर गिवन इन कॉम्बिनेशन, दे आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ ड्रग। यानी कि जो हमारा कोई ड्रग है, मान लो ये एक दूसरे पे डिपेंड है। अब मान लो हमने ए दे रहे थे, हमने साथ में बी भी दे दिया, तो ये बी ड्रग या तो इसका रिस्पांस को बढ़ा देगा या इसके रिस्पांस को कम कर देगा। जैसे मान लो ये इसका अपोजिट हो जाता, तो इसने क्या कि ये रिस्पांस को और ज्यादा कम करेगा या ये इसके एक्शन को रोक देगा। तो ये खुद तो रिस्पांस दे नहीं रहा और इसने क्या कि इसके रिस्पांस को भी रोक दिया। तो जो आपको रिस्पांस अब मिलेगा वो कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये दो तरह से हमारा जो है यहां पर काम करता है। तो इन्हीं के बेस पर ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हमारा आता है यहां सिनर्जिज्म और दूसरा हमारा यहां पता है एंटागोनिज्म, ठीक है। पहला हम समझते हैं यहां पर सिनर्जिज्म क्या है, कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है। साइन अगर यहां समझे तो इसका मतलब होता है टुगेदर, और इसको जो एरिज में इसको वर्ड को एरगोन वर्ड बोला गया है यहां ग्रीक में, समझ लो, और इसका मतलब होता है वर्क। यानी कि अगर हम इस वर्ड का समझे तो यहां पर जो दो ड्रग हमने लिए हैं वो क्या कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, टुगेदर वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा है कि जब हम यहां पर दो ड्रग एक साथ देते हैं, जो दूसरे ज्यादा ड्रग, तो वो क्या करते हैं, किसी एक ड्रग की जो पावर है, जो कैपेबिलिटी है, उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब इसमें सिंपल ये समझो, मैंने बताया कि मान लो ये एक ड्रग था हमारा ए और ये हमारा था बी, हमने ये दोनों कॉम्बिनेशन में दिए। ए का काम हमारा लगभग 20 या 30% था और इसका काम कितना था, 20%। तो इसने क्या किया, इसके काम को बढ़ा दिया और ये दोनों ने मिलकर कितना दिया, हमारी बॉडी में 50% हमको रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये हमारी कहलाती है सिनर्जिज्म। अब ये भी हमारी फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहली हमारी आती है एडिटिव और दूसरी हमारी आती है सुपरा एडिटिव, जिसको हम पोटेंशियलाइजेशन बोलते हैं। अब इन दोनों को कुछ आप इस तरह समझो कि जैसे मान लो मैंने ये आपको ड्रग दिए, ए दिया और साथ में बी दे दिया, तो अब मान लो इसका 30% इफेक्ट था, इसका 20% इफेक्ट था, तो जो आपको कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिला वो क्या था, 50% था। तो ये हमारा जो पहला वाला सीन है, यहाँ पर क्या हुआ, सिंपली हमारा ऐड हो गया। यानी कि दोनों का जो वो था ना पावर, दोनों का जो इफेक्ट था वो ऐड होके क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐड अप हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एडिटिव। दूसरा हमारा आता है यहाँ पोटेंशियलाइजेशन, यहाँ हम बोल सकते हैं सुपर एडिटिव। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई हमको बीमारी है, जैसे मान लो हमको यहाँ पर एक बीमारी है और इस बीमारी को हमारा करा कौन रहा है, एक हमारा एक्स नाम का कोई फैक्टर है, वो इस बीमारी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब मान लो हमने इस बीमारी को ठीक करने के लिए एक दवा दी ए, हमने यहाँ पर क्या दिया, ए दवा दिया, ये हमारा पोसेंस है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये हमारा इसको ठीक कर रहा है, लेकिन ये वाला जो एक्स फैक्टर है ये हमारा इसको फर्दर बीमार करता जा रहा है, खराब करता जा रहा है। तो हमने क्या किया कि इसके कॉम्बिनेशन में एक दवा हमने और दे दी, इसको हमने बी नाम दिया। अब ये बी काम क्या करेगा कि बी काम क्या करेगा, इस वाले एक्स से आगे लड़ेगा और ये क्या करेगा, ये जो इसको रोक रहा था ना, इस एक्स के आगे लड़ेगा और इस एक्स को रोक देगा। और जब ये वाला फैक्टर हमारा रुक जाएगा तो अब ये बीमारी बढ़ाने वाला सीन खत्म हो गया। तो अब जो ए काम करेगा ना, वो अपना बहुत ही बढ़िया काम करेगा, क्योंकि अब यहां पर कोई भी रोकने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर कुछ तो बॉडी की चीज होती है, आपको पता है, जैसे मान लो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो अभी हमने जो मेडिकेम पढ़ी थी उसमें हमने एसिटाइलकोलीन वाला लेटेस्ट पढ़ा थर्ड सेम में, थर्ड यूनिट में। तो एसिटाइलकोलीन हमारे यहां काम करता है और हमारे रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करता है, ठीक है। एसिटाइलकोलीन हो गया या हम एसिटाइलकोलीन हो गया या हम वहां पर और ले लें न्यूरोट्रांसमीटर कोई भी ले लें, तो यहां पर जो एंजाइम है हमारा एसिटाइलकोलीन के लिए, वो हमारा होता है यहां पर एंटीकोलीन स्ट्रेज, या हम बोल सकते हैं कोलीन स्ट्रेज। तो कोलीन स्ट्रेज एक एंजाइम है, वो क्या करता है कि इस एसिटाइलकोलीन की पावर को मतलब कम करता है, इस एसिटाइलकोलीन को खत्म करता है। तो हमने क्या किया, बाहर से हमने एक ड्रग दिया एसिटाइलकोलीन, अब वो बाहर से जो ड्रग आया वो क्या करेगा, वो जाके यहां पर जाके बाइंड करेगा, लेकिन ये तो इसको कम करा तो ये इसको भी काटने लगेगा। तो हमने क्या किया, साथ में एक और ड्रग दे दिया, और एक और ड्रग हमने मान लो शायद वो फाइटोस्टिग्माइन होता है, वो हमने फाइटोस्टिग्माइन ड्रग और दे दिया। अब ये क्या करेगा कि ये इस कोलीन स्ट्रेज को जाके मारेगा, बेटा तू मुझको रोक रहा है, इसको मेरे साथी को, ये इसको जाके रोक देगा। तो अब क्या होगा, कोलीन स्ट्रेस का काम रुक जाएगा, तो अब ये भी एसिटाइलकोलीन अपने जाके असर दिखाएगा और जो इस बॉडी में बन रहा था वो अब यहां से द्वारा इनएक्टिव नहीं होगा, तो वो भी जाके अब यहां पर असर दिखाएगा। तो अब दोनों के दोनों एसिटाइलकोलीन जाके असर दिखाएंगे और हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्स था वो हमारा डबल ट्रिपल 5 गुना 6 गुना मतलब बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज हमारी कहलाती है सुपर एडिटिव। यानी कि यहां पर क्या कर रहा है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग का काम बहुत ज्यादा आसान कर देता है और उसका जो पावर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये हमारे दो यहां सिंपल फंडे थे। और यहां पर एडिटिव का एग्जांपल देखें तो एफिड्राइन और थियोफाइलिन हो गया, तो ये क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर का काम कर रहे हैं। और यहां एग्जांपल देखो तो एसिटाइलकोलीन और प्लस फाइसोस्टिग्माइन है, इन्होंने किया तो इनहिबिशन ऑफ ब्रेकडाउन जो हमारा हो रहा था उसको ये इनहिबिट कर देंगे। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं यहां पर एंटागोनिज्म की बात। तो एंटागोनिज्म का अगर वर्ड देखें तो एंटा एंटी, ये वर्ड हमारा
अपोजिट के लिए आता है, ऑर्गेनिज्म वही मैंने बताया बर्क, यानी कि अगर यहां पर देखें तो यहां पर जो हमारे दो ड्रग बन रहे हैं वो एक दूसरे के काम को रोक रहे हैं, यानी कि अपोजिट वर्क कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर मैंने जो अभी आपको बताया कि मान लो यहां पर हमने ये ए लिया एक, और इसका जो हमारा बॉडी में काम था, साथ में हमने एक और ड्रग दे दिया बी, तो ये क्या करेगा इसके काम को रोक देगा। अब इसके काम को ये रोक देगा तो यहां पर काम हमें क्या मिलेगा 0% मिलेगा रिस्पॉन्स। तो ये चीज हमारी यहां कहलाती है एंटागोनिस्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, तो पहली बात तो ये है कि ये बाई मिस्टेकन हो जाता है, मान लो किसी ने ध्यान नहीं दिया और गलती से ये चीज चली गई। दूसरी होती है कि मान लो किसी ने जानबूझ के क्या किया, कोई पॉइजन ले लिया, यानी कि जो ए था वो हमारा क्या था पॉइजन था, किसी ने जानबूझ के ले लिया, खा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका एंटागोनिस्ट यानी कि कोई हम ड्रग दे देंगे बी, जो क्या होगा इसका ऐसा एंटीडोट काम करेगा, और हमने वो दे दिया, अब वो बॉडी में क्या जाएगा तो वही इसका काम ही है ए वाले के काम को खत्म करता है। तो जब बी हमने बॉडी में उसको और दे दिया, वो क्या करेगा इस पॉइजन को जाके क्या कर देगा खत्म कर देगा। अब जो इफेक्ट मिलेगा वो इस ना पॉइजन का मिलेगा ना इस ड्रग का मिलेगा, और हमारी बॉडी में जीरो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि जो एंटागोनिस्ट वाला फंडा है वो हमारा बहुत ज्यादा एक तरह से वरदान है हमारे पॉइजन को ठीक करने के लिए, सिंपल सी बात है। अब हम यहां कुछ समझते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा दोनों कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट होता है वो हमारा कम होता है, जो हमारा ए और बी है उनके इफेक्ट से, ये सिंपल सी हमारी बात है। अब कुछ फैक्टर समझते हैं तो कैसे हम इसको कर सकते हैं। पहला हमारा फिजिकल है, तो हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम एक दूसरे का यूज करते हैं। एग्जांपल दो, हमने चारकोल दे दिया, तो चारकोल क्या करेगा जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं या हमारे पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं नेचुरली वाले, तो इसको क्या करेगा चारकोल हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा वो एल्कलॉइड्स को हमारी बॉडी से मतलब खुद एब्जॉर्ब करके उसको इनएक्टिव कर देगा, और हमारी बॉडी में कोई भी पॉइजनिंग नहीं होगी। दूसरा हमारे कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके और खुद को इनएक्टिव कर लेंगे, और फिर हमारी बॉडी में कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। एग्जांपल हमने टैनिन्स हो गए, तो टैनिन्स थोड़े हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं एल्कलॉइड, ये दोनों अगर आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को इनएक्टिव कर लेंगे, और इनएक्टिव हो जाएंगे तो अब हमारी बॉडी में क्या होगा कुछ भी रिस्पॉन्स या कुछ भी साइड इफेक्ट पॉइजनस का देखने को नहीं मिलेगा। तीसरे हमारा मेन टर्म आता है रिसेप्टर वाला। अब रिसेप्टर वाला क्या होता है कि यहां पर एक हमारा एंटागोनिस्ट है एक हमारा एगोनिस्ट है, तो एंटागोनिस्ट का काम ही क्या होता है कि वो हमारे एगोनिस्ट के काम को जाके रोक देगा, ये हम पहले ही जानते हैं। अब ये हमारा फर्दर दो तरह से होता था, पहला हमारा था कंपटीशन, दूसरा हमारा था नॉन कंपटीशन। तो कंपटीशन में क्या है जो एक मिनट में हम यहां समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा रिसेप्टर है और ये हमारा एक क्या है एगोनिस्ट है और ये हमारा क्या है एंटागोनिस्ट है, तो एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट ये दोनों सेम होते हैं, तो इनमें कंपटीशन रहता है कि कौन पहले यहां पर जाएगा। तो अब क्या करता है कि जो हमारा एंटागोनिस्ट है ये एंटागोनिस्ट इस एगोनिस्ट से पहले जाके यहां पर बाइंड हो जाएगा और इस जगह को ब्लॉक करके इसको क्या कर देगा रिसेप्टर को इनएक्टिव। तो अब जो हमारा एगोनिस्ट है वो जहां के जहां बाइंड नहीं कर पाएगा और हमारी बॉडी में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। दूसरे हमारे होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा एक है एगोनिस्ट और ये हमारा है एंटागोनिस्ट, अब एगोनिस्ट यहाँ पर जाके बाइंड बेशक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एंटागोनिस्ट है वो क्या करेगा वो किसी दूसरी साइड पे जाके मान लो एलोस्टेट आ जाए इस पे जाके बाइंड हो गया और ये क्या कर देगा इस रिसेप्टर को इनएक्टिव कर देगा। अब यहाँ पर कितने भी हमारे एगोनिस्ट बाइंड हो जाए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया इस रिसेप्टर को ही इनएक्टिव कर दिया, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा अब यहाँ पर इसका इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारे कुछ सिंपल फंडे थे, आई होप आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। एग्जाम्पल देखें तो कंपटीशन में जैसे एसिटाइल कोलिन है तो इसके काम को रोक देता है एट्रोपिन, मॉर्फिन के काम को रोक देता है नेलोक्सेन, और नॉन एट्रोपिक में डाइजापाम होता है तो इसको काम को रोक देता है बीक्यूक्यूलिन। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब ये नोट्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको फर्दर इनमें कोई भी डाउट्स हो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। बाकी इसके नोट्स वगैरह आपको मिल ही जाएंगे, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, जय हिंद।